कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन और हमारी फौज नीचे, दोनों ओर गहरी खाई और एकदम सीधी चढ़ान, ऊपर से मौसम का कहर, माइनस में तापमान और हाड़ कपा देने वाली ठंड, यानी सब कुछ दुश्मन के पक्ष में। फिर भी हमारे जांबाज भूख प्यास की परवाह किए बिना सिर पर कफन बांधकर आगे बढ़ते रहे। आप देख रहे हैं कारगिल की विशेष सीरीज। इसके पिछले 16 एपिसोड में हमने कारगिल के शूरवीरों की अलग अलग पॉइंट्स पर कारगिल में बलिदान की शौर्य गाथा बताई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य की कई मिसालें पेश की हैं। हर दिन अलग अलग मोर्चे पर भारतीय जवान लड़ते और दुश्मन को धूल चटा रहे थे। कारगिल युद्ध के दौरान सिपाही सोरन सिंह कुंतल की यूनिट 4 जाट को LOC के पास काक्सर सेक्टर में तैनात किया गया था। काक्सर क्षेत्र का इलाका आम तौर पर हिमाच्छादित था और इसकी ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक थी। इस क्षेत्र की मुख्य रिज में .5608, .5605, .5280 और स्पर रूट शामिल थे और मुख्य रिज तक पहुंचना बहुत कठिन था। चार जाट बटालियन 121 एक ब्रिगेड के नेतृत्व में मोर्चे पर थी, साथ ही जैक राइफल्स भी थी, जिसे 28 मई 1999 को ब्रिगेड के अधीन रखा गया था। ऑपरेशनल प्लान दुश्मन सेना को खदेड़ना और मुख्य रिज लाइन पर .5608, .5605, .5280 और इस पर जंक्शन पर फिर से कब्जा करना था। काक्सर सेक्टर में 17,500 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित बेहद नुकीली रिज लाइनें हमले की शुरुआत के लिए रसद तैयार करने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। प्रारंभिक अभियान 28 जून 1999 को शुरू करने की योजना बनाई गई थी। 28 जून को अभियान शुरू करने की तैयारी के हिस्से के रूप में स्थिति का आकलन करने के लिए कई टोही गश्ती की योजना बनाई गई थी। सिपाही सोरन सिंह 21 जून 1999 को एक ऐसे ही गश्ती दल का हिस्सा थे। गश्ती दल को प्रतिकूल मौसम की स्थिति और छिपे हुए दुश्मन सैनिकों के साथ खतरनाक इलाकों से गुजरना पड़ा। हालांकि गश्ती दल की हरकतों को दुश्मन ने देख लिया और उस पर भारी गोलीबारी की गई। सिपाही सोरन सिंह ने दुश्मन की गोलीबारी का जवाब पूरी ताकत से दिया, पर वे गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में वे वीर गति को प्राप्त हुए और देश के बलिदान हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के रहने वाले सिपाही सोरन सिंह एक वीर और प्रतिबद्ध सैनिक थे, जिन्होंने देश की सेवा में 28 वर्ष की आयु में अपने प्राण निछावर कर दिए। वहीं इसी दिन कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की 16वीं ग्रेनेडियर बटालियन में ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह टाइगर हिल के 64 नंबर पॉइंट पर तैनात थे। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों पर लगातार 16 दिन तक देश की लड़ाई लड़ी। 21 जून 1999 को बर्फीली पहाड़ियों पर युद्ध में दुश्मन की सेना से मुठभेड़ में उन्हें गोली लग गई। गोली लगने पर सुरेंद्र सिंह को सेना के हॉस्पिटल ले जाने के लिए अधिकारी ने साथी जवानों को निर्देश दिया, लेकिन चौहान ने रेजिमेंट ऑनर का सम्मान करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य करीब है और मुझे नीचे ले जाने के लिए जवानों की ज़रूरत होगी, इसलिए मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय दुश्मन को मारो, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत जवानों की यहाँ पड़ेगी। और उन्होंने खुद के प्राणों की परवाह किए बिना बहादुरी के साथ अपना मोर्चा संभाले रखा। ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह चौहान ने लड़ते हुए दुश्मन पर जो कहर बरपाया उससे दुश्मन के पांव कांप उठे। उसी दौरान एक ग्रेनेड दुश्मन की ओर से फेंका गया, जिसमें ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह चौहान देश के लिए बलिदान हो गए। राजस्थान के नागौर के इस लाल ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का निछावर कर दिया। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कारगिल के कुछ और शूरवीरों की शौर्य गाथा।